हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पेड़ा बनाएंगे जो खाते ही मुंह में घुल जाए, ऐसा पेड़ा बनाएंगे। तो चलिए पेड़ा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1.5 लीटर गाय का दूध लिया है। ये फुल क्रीम दूध है, इसे मैंने बॉईल करके रख लिया था। आप चाहे तो कोई भी दूध ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप गाय का ही दूध लें, कोई भी दूध ले सकते हैं। दूध में हम उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ गया है, अब गैस को मीडियम कर दे और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए हम दूध को गाढ़ा कर लेंगे। इस समय आप आराम से कोई भी काम कर सकते हैं और इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहें और इसे हम गाढ़ा करेंगे। दूध गाढ़ा होने लगा है, साइड से हम इसे निकालते रहेंगे। इस तरह से साइड से, किनारों से इस तरह से निकालेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए दूध को हम थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। दूध को मैंने थोड़ा सा और गाढ़ा कर लिया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें चीनी डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1/2 कप चीनी ले लिया है, ये 125 ग्राम चीनी है। चीनी इसमें हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे और इसे हम लगातार इस तरह से मिलाते रहेंगे। जब चीनी घुल जाए तो फिर थोड़ा सा हम इसमें चीनी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालें। चीनी एक साथ डालने पर बहुत ज़्यादा चीनी पानी छोड़ देता है, इसलिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके चीनी डालेंगे और इस तरह से हम इसे मिलाते रहेंगे। अगर आपके पास दूध कम हो तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी मिला सकते हैं, नहीं तो इसमें अलग से आप थोड़ा सा मावा भी घिस के इसमें डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा चीनी इसमें डाल दिया है। गैस को हम मीडियम रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और थोड़ा सा हम इसे और गाढ़ा कर लेंगे। देखिए, ये गाढ़ा होने लगा है। जब लगे आपको कि मावा इकट्ठा होने लगा है और इसमें से बबल्स आने लगे हैं तो गैस को हम बंद कर देंगे और तब तक हम इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म रहता है। उसके बाद भी हमें इसे थोड़ी देर चलाते रहना है। ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे। अब प्लेट में इसे हम निकाल लेंगे। मावे को हम इस तरह से फैला देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। थोड़ी सी ठंडा होने के बाद आप इसे चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। देखिए, ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसे 5 से 6 मिनट हम इस तरह से मसल लेंगे। मिक्स कर कर के इसे हम इस तरह से मसलते रहेंगे, इससे ये सॉफ्ट भी हो जाता है और इसमें वाइटनेस भी आ जाता है। 5 मिनट इसे मैंने लगातार मसल लिया है। देखिए, पहले के अपेक्षा इसमें वाइटनेस आ गया है। अब इसे हम फैला के 1/2 से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1/2 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब सारे मावे को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। सारे मावे को मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे, इसे हाथ से हम इस तरह से गोल कर लेंगे, अंगूठे से हम इससे दबा देंगे और पिस्ते से हम गार्निश कर लेंगे। आप चाहे तो इस पे कोई डिजाइन भी बना सकते हैं। इसी तरह हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। घर का बनाया हुआ पेड़ा या कोई भी चीज़ हो तो उसमें मिलावट नहीं होती है, इसीलिए इसे आप अपने घरों पे ज़रूर बनाएं। सारे पेड़े बनकर तैयार हो गया है, इसे आप फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाए फिर इसे आप सर्व करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।